हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोग उसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, कुछ एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक हमारा आज का वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज इंटेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोला कि वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सिग्मा एंड दिस इज रो, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये तीनों मेथड है, हम लोग ईच एंड इंडिविजुअल मेथड को वन बाय वन डील करेंगे। तो पहले हेडिंग आप लिख लीजिए, वेरिएशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फर्स्ट है लीनियर चार्ज, सेकंड है सरफेस चार्ज, थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, फिर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए पहले। देखिए, तो हम लोग फर्स्ट चार्ज को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर माना जाए अपने को डेफिनेशन से, चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज लेमडा, तो ये लेमडा हम लिखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्या बोला कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, तो बोल सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो अगर ये चार्ज छोटा होगा तो डी क्यू बाई डी एल, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा चार्ज छोटा सा लेंथ। तो हमको ये इस कंसेप्ट को हमेशा रिमेम्बर रखना है, जब भी चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात होगी तो क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल, और यहाँ से एक रिजल्ट आता है क्यू इज इक्वल टू लेमडा इन टू एल एंड डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इन टू डी एल। हम लोग स्ट्रेट मैनर में फॉर्म में ये अप्लाई करेंगे, नहीं तो अगर इंटीग्रल फॉर्म होगा तो हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोनों का छोटा छोटा डिफरेंशियल फॉर्म है। तो चार्ज डेंसिटी जो लीनियर का होता है उसका सिंपल सा डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल इज इक्वल टू लेमडा, डी क्यू बाई डी एल इज इक्वल टू लेमडा, दो रिजल्ट होता है। बहुत छोटा सा है, इसको लिखिए, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल से इसका अप्लीकेशन देखते हैं कि इसका अप्लीकेशन हम लोग करेंगे कैसे। देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द रॉड। इस रॉड पे चार्ज पूछा है, कंडीशन दिया है कि एक रॉड है जिसका लेंथ l है, दैट इज x = 0 टू l, ये कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जैसे अगर हम इसको x एक्सिस y एक्सिस का कॉम्बिनेशन ले लें तो क्या बोलेंगे अपने को, x = 0 पे ऑरिजिन, x = l पे इसका लेंथ होगा। फिर बोला किस रॉड में चार्ज हुआ कितना, हमने लास्ट में देखा था डेल्टा q = डेल्टा l, वो लॉजिकल रीजन है। अब देखो, अगर हमको इसको हम डायरेक्टली फॉर्म में पुट कर सकते हैं, बट हम बेसिकली ये क्या करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं। मान लो यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, क्या लिया हमने, वो डी एक्स लिया हमने, क्या कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, वो क्या होगा हमारा डी एक्स होगा। तो वो डी एक्स क्रॉस सेक्शन डी क्यू चार्ज कंटेन करेगा, क्यों, क्योंकि लेमडा का मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो हम लोग पहले देखे थे क्यू बाई एल होता है। तो डी क्यू में क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा, मैं बताया था पहले लेमडा इज इंजेक्टेड, वो तो हमेशा बदलेगा नहीं, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट इन टू एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। हमने क्या किया, इस चीज को आगे निकाले। अब देखो, अगर हम लोग डी क्यू चार्ज लिखना चाहें, डी क्यू का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले लेमडा इन टू डी एक्स, बिकॉज लेमडा इन टू डी एल जो हमने वहां देखा था आपको याद होगा डी क्यू बाय डी एल, तो डी क्यू क्या था यहाँ पे लेमडा डी एल। अगर हमने एक्स लिया है तो डी क्यू क्या होगा, लेमडा इन टू डी एक्स,
अगर हमको चार्ज पूछा है गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पता है, मान लेते हैं इसका चार्ज जीरो से क्यू हो जाएगा क्योंकि इनिशियली क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट पुट करना पड़ेगा, और इस फंक्शन को जीरो टू एल क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो शुरू और कहाँ तक जाना है एल तक जाना है। अब हमारे लिए बहुत ही आसान है, बेसिक सिंपल सा इंटीग्रेशन लेमडा नॉट एक्स है इंटू लेमडा नॉट एक्स डी एक्स जीरो टू एल, ये आ गया अपने पास। तो लेमडा डी एक्स तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जीरो टू एल, और इसका इंटीग्रेशन तो क्यू होगा बिकॉज डी क्यू का क्यू पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो फिर क्या हो जाएगा ये लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एल, इसको सॉल्व करेंगे लेमडा एल स्क्वायर बाई टू लेमडा एल स्क्वायर बाई टू, दिस इज द क्यू इन फॉर्म ऑफ लेमडा। तो छोटा सा एप्लीकेशन था, हमने क्या क्या किया इसमें, जस्ट इस छोटे से टर्म को अप्लाई किया लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, फिर इसको ये एल के लिए था हमने क्या किया एक्स पे डी एक्स लिया, तो मान लो इस पॉइंट पे क्या होगा डी एक्स चार्ज लेंथ में डी क्यू चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज लेमडा इंटू डी एक्स पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड देन इंटीग्रेट, इसको लिख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया होगा पहले लास्ट। हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो हमने ट्राई किया था एज इट इज सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करेंगे अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है कैसे अप्लाई करते हैं तो स्क्रीन को पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखो इसने बोला फाइंड द चार्ज ऑन द रॉड, हमको फिर से जो फर्स्ट कंसेप्ट था यहाँ से अपन क्या करते हैं एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, अगर ये डी एक्स क्रॉस सेक्शन होगा तो इसमें चार्ज क्या होगा डी क्यू होगा, करेक्ट है। हमने लिखा था डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, ये हमारा ओल्ड फॉर्मेट से। अब क्या है यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, बेटर टू पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा नॉट एक्स बाय एल माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत आसान क्वेश्चन एक्चुअली आप देखेंगे। अब क्या है ये इंटीग्रेशन जाएंगे दिस इज जीरो टू कहाँ तक जाएगा एल जीरो टू क्यू, तो फिर क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू लेमडा नॉट को अपन बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एल माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर डी एक्स जीरो टू एल। अब आपके लिए बहुत सारा आसान क्वेश्चन है ये, जस्ट अगर एक एक चेक करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेंगे। क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन लेमडा नॉट इंडिविजुअल कर लो, क्या लिख सकते इसको एक्स स्क्वायर बाई टू एल, लिमिट पुट कर दो इधर कि कंप्लीट बॉक्स में जीरो टू एल माइनस एक्स क्यू बाय थ्री एल स्क्वायर जीरो टू एल, ये सॉल्व कर अपने को ये कंप्लीट इवन बॉक्स है। लेमडा नॉट एक्स का वैल्यू पुट करो लिमिट में, लॉर लिमिट जीरो है तो एक्स जीरो होगा, लिख सकते एल स्क्वायर बाय टू एल माइनस एल क्यू बाय थ्री एल स्क्वायर। ठीक है, बाकी इसका तो लॉर लिमिट एक्स जीरो पे जीरो ही होगा, ये अपना पार्ट है। देन इसमें से दो सब जुड़ेगा, इसमें से एक हट जाएगा तो एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री बच रहे, इसको यहाँ देख लेंगे लेमडा नॉट एल बाई टू माइनस एल बाई थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री माइनस टू वन लेमडा नॉट एल बाई सिक्स दिस इज क्यू। बहुत ही अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स पता है आपको इस तरह क्वेश्चन को आप विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, थ्री माइनस टू वन थ्री इंटू टू सिक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। सो ये सिमिलर क्वेश्चन था लास्ट वाले की तरह जिसको हमने अटेम्प्ट किया, तो इसको देख लीजिए आपका आंसर मैच किया आगे नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट चीज को देखते हैं। या हमने अभी हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका एप्लीकेशन देखा, वो छोटा सा होता है इजीवन होता है। अब हमने नेक्स्ट केस था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग होता है हमने जस्ट बोला था सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज
पर यूनिट एरिया। अब चार्ज पर यूनिट एरिया का मीनिंग होगा, अगर सिग्मा को लिखना चाहे दिस इज चार्ज दिस इज बाय एरिया, अगर छोटा लिखना पड़ेगा तो डी क्यू बाय डी ए। इसका एक और मेन एप्लीकेशन होगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, इसको हम अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर। ये बेसिक कंसेप्ट इतना ही होता है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट देखना है कुछ नया नहीं होता है, बस अगर आपको सिंपल लीनियर में लेंथ होता है, सरफेस में एरिया होता है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये छोटा सा आस्पेक्ट है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चन में कैसे होता है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन है नेक्स्ट में, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का एप्लीकेशन कैसा होगा पूछा है। फाइंड नेट चार्ज ऑन द डिस्क, एक डिस्क का रेडियस आर दिया हुआ है और जो सिग्मा है यहाँ पे सिग्मा का वेरिएशन कुछ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट वन माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होता है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो जनरली लेंथ में क्या किया था, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन का लेंथ लिया था, बट एरिया वाले पार्ट में क्या करें, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेंगे। कैसे लेंगे, तो मान लो हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ से एक आर डिस्टेंस पे एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया। अब इसका थिकनेस क्या होगा, आर टू डी आर, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या क्या वो डी आर है। और हमको पता है सर्किल में क्या होता है, अगर ये सर्कुलर डिस्क ले लें तो टू पाई आर इज द होल लेंथ, तो इसका एरिया मान लेते हैं डी ए होगा, इस छोटे पट का एरिया कितना होगा डी ए होगा। तो टू पाई आर, टू पाई आर इज द लेंथ, क्योंकि आर हम कैपिटल नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं स्मॉल ले रहे हैं, तो ये पार्ट का पैरामीटर कितना होगा टू पाई आर। अगर उस 2 पाई आर को इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया हो जाएगा, तो 2 पाई आर इनटू डी आर इज टू क्या होगा, वो एरिया हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो हमने इस चीज को यहाँ से कट करके कुछ ऐसा बना दिया, एक ऐसा लाइन बनाया, ठीक है, जिसका ये लेंथ कितना है 2 पाई। अगर सर्कल को हम लोग कहीं कट करके स्ट्रेट करें तो क्या होता है कि स्ट्रेट पैरामीटर ये सीट बन जाता है, तो इसका 2 आपको कर दिया हुआ है और ये थिकनेस डी आर है। इन जनरली अगर रेक्टेंगल का एरिया हो, लेंथ पता हो, विड्थ पता हो, तो क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ इज द एरिया। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आता है 2 पाई आर इनटू डी आर इज द डीए, दैट इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। अब देखो एरिया हमको पता चल गया, हम क्या पूछे नेट चार्ज, तो हमने कंसेप्ट अभी भूला नहीं, क्या दिखा था डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डीए। क्या अपने को डीए पता है, सिग्मा पता है, जस्ट पुट इट, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा नॉट वन माइनस आर बाई आर टू पाई आर डी आर। अब ये कहानी अपनी पूरी खत्म हो गई, अब टू पाई आर डी आर है। अब एक क्वेश्चन आएगा सर लिमिट किधर से किधर होगा, तो हमने क्या किया था, या तो क्रॉस सेक्शन इस ओ पॉइंट से होगा तो रेडियस जीरो होगा, खत्म कहाँ कर सकते हैं कंप्लीट आर पे जाके, तो रेडियस का जो लिमिट होगा जीरो टू कैपिटल आर होगा, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन की बात रही नहीं इसमें। अब जस्ट क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है इसको, गो थ्रू द इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू एंड जीरो टू आर। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हमने अभी लास्ट दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए इंटीग्रेशन पे, यहाँ से आप स्क्रीन को पॉज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सर मैंने कंसेप्ट को डिस्कस कर दिया कैसे होता है, सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, फिर देखेंगे सॉल्यूशन। देखो अब क्या करना है, सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज द इंटीग्रेशन साइन, दिस इज द ब्रैकेट जीरो टू आर। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू टू पाई आर डी आर, दिख रहा है ये इसके पार्ट का इन साइड का है। इसमें से और सारा सब्सिट्यूट निकाल सकते हैं, टू पाई बाई आर तो निकाल सकते हैं, सिग्मा नॉट बाई आर क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, जितने भी कॉन्स्टेंट है सबको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, टू पाई आर, इसको आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्या इतना हो रही है देखेंगे, आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर एंड दैट इज डी आर। अब इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो टू आर, सिग्मा टू पाई सिग्मा नॉट हम लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, सिग्मा नॉट टू पाई पे आर 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 डी आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी आर जीरो टू आर जीरो टू आर। ये इंटीग्रेशन आपके अब सॉल्व करना, देखेंगे इसका सॉल्यूशन कितना हो रहा है।
जो रिजल्ट आया उसका लोग देखना चाहेंगे कितना है, 2π σ0 r। देखो r बाहर है, एक r अंदर ले लो, उसमें r² / 2 × r, लिमिट 0 to r, माइनस r³/3। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, r^n+1 / n+1 होता है 0 to, ये सारा सॉल्यूशन कर रहा अपने को 2π σ0 r, लिमिट पुट करो r² / 2, 0 कोई वैल्यू नहीं, हटा देंगे उसको, माइनस ऑफ r³/3। दिस इज r³/2 r³/3, तो कितना होगा 2π ε0 r, r³/2 - r³/3, 2π σ0 r, दिस इज r³/6, 3 - 2 1 3 × 2 6, क्या होगा, एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, r² बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, π σ0 r² / 3, दिस इज द चार्ज, ये चार्ज कहाँ होगा, दिस डिस्क। तो बाकी सब एप्लीकेशन जो हमने देखा सब क्या नियरली इक्विवेलेंट ही होता है। अगर आपको छोटा सा एप्लीकेशन DQ निकालने आ जाए कि DQ को सॉल्व कैसे करते हैं, रिलेशंस दिए हो तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे सिग्मा दिया है सिग्मा को कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन आना जरूरी है कि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म पता हो, किसको अप्लाई करते हैं तो कौन सा फॉर्म आता है। सो लेट्स फाइनली वी गेट द वैल्यू π σ0 r² / 3, दिस इज रिजल्ट। आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग फर्दर देखते हैं आगे। क्वेश्चन पार्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज इसको हम रो बोलते हैं। ये भी कुछ नया नहीं होता है, हमने पहले बोला था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हमको इस तीनों टर्म में चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस तीनों का कंसिडरेशन रखना पड़ेगा किसमें क्या होता है। सिमिलरली तो रो इज इक्वल टू QyV, तो पहले की तरह लिख सकते हैं, दैट इज dQ/dV। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा dQ = ρ × dV, जो हम लोग फर्दर सेशन में अप्लाई करेंगे। इसमें कंसेप्चुअली इतना ही होता है कि अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग मीनिंग समझ जाते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेंसिटी टर्म, चार्ज टर्म, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अब चीज़ को लिखिए, फिर हम लोग इसके कंसेप्ट को थोड़ा न्यूमेरिकली देखने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चार्ज ऑन स्फीयर, स्फीयर पे क्या होता है, स्फीयर पे चार्ज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंड होता है, चार्ज पर वॉल्यूम होता है, जिसकी डेंसिटी रो कितना दी हुई है, रो नॉट टाइम्स ऑफ आर, ये सिमिलर फंक्शन है। अब देखो हमने क्या बोला था, सबसे फर्स्ट एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। अब देखो लेंथ वाले केस में छोटा सा dA लेंथ निकाला था, सॉरी dx लेंथ निकाला था, एरिया में छोटा सा dA निकाला, बट यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एक r डिस्टेंस पे छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमें लिया। अगर ये स्फीयर होगा तो कुछ इस तरह क्रॉस सेक्शन कटेगा, ये कटेगा तो कुछ थिकनेस r + dr, दिस इज r + dr। मान लेते हैं ये जो थिकनेस का वॉल्यूम होगा वो dv होगा, और ये थिकनेस dr होगा, ये जो थिकनेस है उसको हम क्या बोलते हैं, dr थिकनेस। तो सबसे पहले वो क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना होगा। आप पता है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और हमको पता है स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4π r², बट एरिया कहाँ तक का लेना है, सिर्फ इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का लेना है, 4π r², अगर उसके थिकनेस dr से मल्टीप्लाई कर दो क्या अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा dv। ये सब बेसिकली है, अपने सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन किया होगा जहाँ आपको आइडिया होगा कि क्रॉस सेक्शन कैसे यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो dv = 4π r² dr, 4π r² इज द एरिया ऑफ दैट स्मॉल स्फीयर एंड dr इज द थिकनेस। अगर इस एरिया में उस थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करें, कैसे कहा था हमने, δQ = ρ dv, पुट द वैल्यू ऑफ ρ, ρ0 r, व्हाट इज dv,
4 pi r square dr, that is dq. Go through integration. अब इसमें कुछ पूछना ही नहीं है. शुरू होगा 0 to r and 0 to q. You can solve it. ये होगा इंटीग्रेशन q. क्या क्या कॉमन है? रो नॉट 4 pi रो नॉट इज कॉमन, देन r q dr. r square ये एंड r this. dr लिमिट कहाँ से होगा? 0 to r. अब तो आसान है सॉल्व करना. 4 pi epsilon नॉट r 4 by 4 0 to r. इस 4 को जाना होगा, कैंसिल आउट हो गए. क्या बचेगा? रो नॉट पाए r to the power 4. दिस इज द चार्ज. और हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 to 0 कुछ होने वाला नहीं है. दिस r to the power 4. तो रो नॉट पाए r to the power 4. तो हमने जितना डिफरेंशिएशंस का जो सॉरी इंटीग्रेशन का जो अप्लीकेशन था बेसिकली, उसको कैसे कैसे अप्लाई किया, तो हमने देखा सिंपल सा लॉजिक है. जस्ट पुट द लिमिट. इफ यू नो प्रॉपर लिमिट्स पुटिंग एंड द गेटिंग वैल्यू, तो इसमें कुछ आपको नया नहीं है. बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या क्या हो रहा है. हमने भी सरफेस चार्ज में देखा, उससे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी में देखा था, अब वॉल्यूम में देख रहे हैं. हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी होती है कि क्या कहाँ से एडजॉइंट हो सकता है, कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. इट इज द बेसिक थिंग. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. q इज इक्वल टू रो नॉट पाई आर टू द पावर 4. दिस इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर. इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके. हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट शेप पे अप्लाई किया है. जैसे बोला कि फाइंड चार्ज ऑन द रिंग. एक रिंग होगा, रिंग पे अब क्या है, रिंग पे दिया हुआ है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ. हमने वॉल्यूम का देखा था, अब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इन सम डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है. लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट साइन थीटा. अब उसको इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चैलेंजिंग बात यह है कि हम लोग कैसे अप्लाई करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बेसिक कंसेप्ट. क्या सीखा था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल, ये पढ़ा था हमने. ये रिजल्ट हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे. अब हमारे पास चैलेंज है कि हम लोग कैसे कैसे डेल्टा एल निकालते हैं, बिकॉज डेल्टा क्यू और लेमडा तो दिया ही हुआ है. अब देखो, अगर हमको इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में एक छोटा सा पार्ट चाहिए, तो मान लेते हैं ये हमारा थीटा होगा. यहाँ से हमने एक छोटा सा डी थीटा लिया, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा डी थीटा. अगर इसका रेडियस आर है, तो क्या इस पार्ट का छोटे से पार्ट का आर डी थीटा लिख सकते हैं? दिस इज द आर डी थीटा, क्योंकि हमको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा. दिस इज द बेसिक रिलेशन जो हम पहले से थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में जानते हैं. हम देखो ये लिख सकते हैं. तो अब अज्यूम करना पड़ेगा इसके पास ये डी थीटा है, इसके पास क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा, क्योंकि हम लोग उसी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं. तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा. अब देखना शुरू करेंगे हम लोग. तो डी एल पता हो गया, तो हम लोग लिखें हर एक वैल्यू को सबमिट करना है. डेल्टा क्यू, व्हाट इज द लेमडा, लेमडा नॉट साइन थीटा. व्हाट इज डी एल, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, आर डी थीटा. अब देखो फिर से अगेन डू इंटीग्रेशंस, बिकॉज हम छोटे से क्रॉस सेक्शन का निकालना है यहाँ पे, तो उस क्रॉस सेक्शन को पूरा निकालना पड़ेगा अपने को. कैसे कैसे हो सकता है, और इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है. लेमडा नॉट आर तो कॉन्स्टेंट है, बट साइन थीटा डी थीटा इज वेरिएबल. अब हमारे पास क्वेश्चन ये आती है कि थीटा कहाँ से होगा. अगर हम इस प्लेट्स को देखें, तो अगर इनिशियल एंगल यहाँ से शुरू होगा 0, तो वो ख़त्म कहाँ पे होगा, 180 पे. तो थीटा का लिमिट कितना होगा, 0 टू 180 है, उसको पाई बोल सकते हैं, 0 टू पाई. दिस इज द लिमिट. अब सबको पता है लेमडा नॉट आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा. साइन थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा. जब लिमिट 0 से पाई पुट करते हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या पुट करना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज लेमडा नॉट आर माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0. एक एक माइनस साथ रहता है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ कॉस पाई एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस 0. इसको मैं एक थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. ये हमारा 0 टू पाई है, ये हो गया लेमडा नॉट आर. फर्स्ट लिमिट पुट करते हैं माइनस ऑफ कॉस पाई, कॉस पाई फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस 0. दिस इज द एक्चुअल लर्निंग. अब पता है लेमडा नॉट आर
ये हमारा इंटेंशन है। कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन होता है, तो देखेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन, ये माइनस वन से प्लस हो जाएगा एंड कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है। इसको सॉल्व करते हैं, लेमडा नोट आर वन प्लस वन कितना होता है, टू लेमडा नोट आर इज द चार्ज, क्या हुआ दिस इज टू लेमडा नोट आर इज द चार्ज ऑन दिस रिंग। तो अभी हमने दो तीन डिफरेंट डिफरेंट अप्लीकेशन देखे, अगर इस टर्म में क्यू का फॉर्म हो या फिर डिफरेंट चार्ज का फॉर्म हो कैसे अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट एक बार डिफरेंट होता है। अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं डी क्यू कैसे लिखना है, आर कैसे लिखना है, दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमने थोड़ा सा लिमिट की बात करी थी, हाउ वी फाइंड द लिमिट, तो अगर ओरिजिनेशन पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट रिंग यहाँ खत्म हो रहा है तो ये जीरो टू वन पॉइंट होता है, दिस इज द बेसिक ऑब्जर्वेशन यू गेट फ्रॉम देयर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, एक पॉइंट पी ये है, इस पी पॉइंट पे क्यू चार्ज है जो कि ए डिस्टेंस पहले सेपरेटेड है और ये लेंथ एल है इसका दिया हुआ, जिसका चार्ज क्यू है जिसका लेंथ एल है। हमको बोला है कि इस पॉइंट पे कितना होगा, हमको इतना दिख रहा है कि यहाँ पे लिमडा की कहानी होगी बिकॉज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये रॉड है तो रॉड में तो लेंथ ही होता है, ठीक है। इसने क्या बोला, फोर्स निकालने, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमने क्या सीखा था, लेमडा होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर छोटे से लेमडा की बात करें तो डी क्यू बाई डी एल, करेक्ट है, एल होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पहले देखा था लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड डी क्यू बाई डी एक्स, जिसको हम लोग बात नेक्स्ट में चर्चा करें। अब देखो जब बोला है कि P पॉइंट से निकालना है तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले यहां से एक x डिस्टेंस लेना है, x डिस्टेंस पे एक dx क्रॉस सेक्शन होगा, उस dx क्रॉस सेक्शन का चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा, ठीक है। जब dq चार्ज होगा तो बोला है कि एट दैट पॉइंट फाइंड बिटवीन देम क्या होगा, एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये, डिस्टेंस कितना है x है, तो मान लो इस पॉइंट पे दूसरा चार्ज है डी क्यू, इस पॉइंट पे क्यू, अगर एक्स हो तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप बोलोगे के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बेसिक फंडामेंटल है, क्या बोलेंगे के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर ये है। अब देखो एक्स स्क्वायर आ गया, अगर हम सो ये इक्वेशन को वैलिड करवाना है तो डी क्यू बाई डी फॉर्म में है, तो इस इक्वेशन हम एक काम कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में दोनों साइड डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय डी एक्स इज इक्वल टू के क्यू एंड डी क्यू बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के, ये फॉर्म है। हम देखो डी क्यू बाई डी एक्स का फॉर्म ये है, इसका मतलब हमें पता चल गया डी क्यू बाई डी एक्स का क्यू बाई एल है, दैट इज द क्यू बाई एल, के Q Q by L into 1 by x square, ये क्या होगा F electrostatic। अब फिर रीजन है कि हमको यहाँ से 1 by x square आ गया F electrostatic by dx, कोई बोलोगे सर हमने ये क्यों किया, बिकॉज ये टर्म वी नो यहाँ पे कुछ Q एंड L के फॉर्म में दिया है, तो लिमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो Q को डेल्टा Q एंड डी क्यू एंड डी एक्स लिख सकते हैं L को, इसलिए हमने दोनों को पैरेलली लिख के अरेंज किया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको डी एफ मान लेते हैं क्योंकि छोटा सा फोर्स है, डी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज द बेसिक टर्म। अब क्या डू द इंडिकेशंस, अब इंडिकेशन कैसे करेंगे, लोअर लिमिट रॉड का ए, अपर लिमिट ए प्लस एल, दिस इज द पॉइंट, ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से और पूरा क्या एल, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लस एल, ठीक है। तो लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट ए प्लस एल। अब डी एफ का इंटीग्रेशन आपको करना नहीं, सिंपल सा आसान, मान लेते उसका इंटीग्रेशन एफ ई होगा, कॉन्स्टेंट के क्यू क्यू बाई एल बाहर निकालो, के क्यू क्यू बाई एल इंटीग्रेशन एक्स टू माइनस टू डी एक्स, कुछ नया नहीं है अपने पास, माइनस टू डी एक्स, क्या करो इसको
ए से ए प्लस एल का इंटीग्रेशन होगा। यू नो एक्स टू दी पावर एन, एन का वैल्यू माइनस टू है, कुछ नहीं करना अपने बस के क्यू क्यू बाई एल। एक्स टू दी पावर माइनस वन प्लस टू, सॉरी माइनस टू प्लस वन, तो कितना होगा माइनस ऑफ माइनस वन एक्स टू दी पावर वन, दैट इज द लिमिट ए से ए प्लस एल। अब इसको पुट करो आप पहले, बिकॉज ये माइनस माइनस टू प्लस वन डिवाइड करेंगे माइनस वन बचेगा, और एक्स टू पावर माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन नीचे आके एक्स बच जाएगा। ये आपका बेसिक इंडिकेशन है, देख लेंगे वन बाई एक्स होता, ठीक है। के क्यू क्यू बाय एल लिमिट देखेंगे, पहले फाइनल लिमिट पुट करते हैं, माइनस ऑफ वन बाय ए प्लस एल माइनस माइनस प्लस वन बाय ए। अब यही अपने को सॉल्व करना, दिस इज दी एग्जैक्ट फॉर्म। इसको देखेंगे यहाँ पे, रिजल्ट क्या अपना वहाँ पे, के क्यू क्यू बाई एल वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल। आपको आसान है सॉल्व करना, के क्यू क्यू बाई एल ए प्लस एल माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस एल। ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, के क्यू क्यू एल डिवाइडेड बाय एल इंटू ए प्लस एल इंटू बी, ये एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस एल इंटू ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचना था कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, बट बेसिकली कंसेप्ट अप्लाई करें तो यहाँ पर हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट को दो बार अप्लाई करना पड़ा, बिकॉज एक ये तो पता है पहले से, इसको फॉर्म अप्लाई किया, फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा, उसको अरेंज करना पड़ा। रीअरेंज करने के बाद वी गेट द एक्सप्लेनेशन, और आपको लिमिट के बारे में पता होगा। अगर इस पॉइंट पी से लिखना है तो यहाँ से इसका इनिशियल लिमिट ए डिस्टेंस पे है, और फाइनल लिमिट ए प्लस एल पे होगा, बिकॉज इसका लेंथ क्या है एल है, एंड देयर आफ्टर होल द पार्ट इज इंटीग्रेशन। इसको अच्छे से लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी 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 इजी, इसको अच्छे से लिखो। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये एरिया होता है। इस पर्टिकुलर एरिया से हमने थोड़ा सा एरिया वेक्टर डायरेक्शन करेंगे, एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस होता है। जैसे मान लो अगर ये सर्फेस होगा तो इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जस्ट हमने क्रॉस वेक्टर में पढ़ा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एंड वन इज एन नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल क्या होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। सिमिलरली फ्लक्स जो डिफाइंड होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया, तो बोल सकते हैं दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। एरिया वेक्टर, एक नया सा कंसेप्ट आ गया, व्हाट इज एरिया वेक्टर। अब देखो, बिकॉज हम लोग जनरली एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया वेक्टर, एरिया एक नया टर्म आ गया, एरिया वेक्टर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज हर एक सरफेस का एरिया आउटसाइड द प्लेन, जैसे मान लो अगर ये प्लेन होगा, इस प्लेन के आउटसाइड हर एक का एरिया क्या होता है, एक डायरेक्शन शो करती है। हेयर, अब अपने को पता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होना है, इसका मतलब कोई वेक्टर का डॉट, आपने वेक्टर की प्रॉपर्टी देखी होगी, दैट इज द सम दो वेक्टर, अगर ये वेक्टर इनटू स्केलर कोई मीनिंग नहीं होता, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमको फाई इज इक्वल टू ई डॉट ई होता है, तो लिख सकते इसको फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दिस इज द स्केलर फॉर्म। हेयर थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर,
ये सिंपल उसी तरह है जो हमने देखा था वेक्टर ए एट बी के बीच में, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है जब वो डॉट प्रोडक्ट होता है तो, और फिर थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सेकंड इज एरिया वेक्टर, इस दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल, इसको ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इस पार्ट को लिखिए, फिर हम इसका कुछ और इन्फॉर्मेशन उधर लिख रहे हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इसमें कुछ नया नहीं है। फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए और ई डॉट डी एस कुछ भी चलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए के कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। हमने यहाँ पे देखा यूनिट में कि ये होता है फाइ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा, अब थीटा का हमको कुछ लेना नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वेक्टर चाहिए, तो हमने इसको ई डॉट ए भी लिखा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा था फोर्स बाय चार्ज होता है, दैट इज न्यूटन बाय कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर, तो हमसे कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज द डायमेंशन आपको पता है पहले से, डायमेंशन ऑफ फाई, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन किसका फोर्स का होता है, एम एल टी माइनस टू मीटर स्क्वायर का, एल स्क्वायर कूलम का आई, ए इंटू टी, ए इज द एम्पियर एंड टी इज द टाइम। अब इसको सॉल्व कर रहे अपने को, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, मेंस एडवांस मैच द कॉलम में आ जाए कभी तो, नहीं तो मेंस में स्ट्रीट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमको कैसे डायमेंशन आता है वो हमें लिखने आना चाहिए। बेटर वन, हम लोग डायमेंशन को ऑलवेज बिगेस्ट ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन है, इसको भी लिख लीजिए उसके कंटिन्यूएशन के साथ, फिर हम लोग दिस इज द डायमेंशन, फिर हम लोग आगे देखते हैं, दिस इज यूनिट दिस इज डायमेंशन। एक छोटा सा नोट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन पासिंग थ्रू कौन सा लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कह दिया है कि जो भी फ्लक्स फाइ होगा वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा था। अगर हमने पहले की बात करें तो हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था डायग्राम, ये फील्ड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बहुत सारा जा रहा है, ठीक है, कुछ इधर फील्ड जा रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया, अब बताया था किसी पॉइंट पे डायरेक्शन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर रही है, तो नंबर ऑफ द प्रोपोर्शनल टू कितना नंबर ऑफ लाइन इनसाइड जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हमने वहां देखा था 1, 2, 3, 4, 5, तो क्यू इज इक्वल टू दिस, तो सिमिलरली फाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। अब क्या होगा, पासिंग थ्रू डेट क्रॉस सेक्शन लिख लिया यहां पे, पासिंग थ्रू डेट क्रॉस सेक्शन, सी एस का मीनिंग होता है, सी एस मीन्स क्रॉस सेक्शन,
देखो अगर इसमें कुछ फ्लक्स फाई होगा तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन इंटर करेगी ऑक्सीडेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आना चाहिए। तो ये हमारा नोट है, इस डायग्राम को ड्रॉ करके इसको भी लिखो सब कुछ लिख लो, फिर हम लोग छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि फ्लक्स को कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या रीजन होता है, इसको पहले आप लिख लीजिए। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट टाइम हमने फॉर्मूला पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर 2i cap + 3j cap + 4k cap न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है एंड एरिया वेक्टर इक्वल 2i cap - j cap + 1.5k cap सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फिर बोला है देन फाइंड फ्लक्स। ऐसा आपने कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या पता है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या पढ़ा था आपने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ई डॉट ए। अब ये दो वेक्टर का डॉट है, आप स्क्रीन को पॉज करके भी बना सकते हैं, आंसर मैच कर लेंगे लिखने के बाद। व्हाट इज दिस ई, 2i cap + 3j cap + 4k cap डॉट 2i cap - j cap + 1.5k cap। अब डॉट रूल सबको पता है, सेम में वन होता है बाकी अल्टरनेट में जीरो, 4 × 2 = 8, 3 × 1 - 3 + 4 × 1.56 + 8 = 14 = 11। ये 5 + 6 फिर 1.5 × 4 = 6 होगा 11 होगा क्या, ये हमने यूरिया बताया था न्यूटन पर कूलम बट एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज सेंटीमीटर, दिस इज 5। वो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, सब कुछ है नहीं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेसिकली अप्लाई क्या करते हैं, आपको यहाँ से रूल पता ही होगा ए डॉट बी का फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई इज इट, हमने वेक्टर में पढ़ा था a1 b1 a2 b2, अगर याद होगा तो देख लेंगे उसमें, क्लास 11th के वेक्टर में पढ़ा था ना ए डॉट बी, इसको लिखे फिर एक और एग्जांपल सिमिलर है। थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे, इसने पूछा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2i cap - 3j cap + 4k cap न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट होता है, इज पासिंग थ्रू ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर प्लेस्ड इन एग्जैक्ट प्लेन, देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, इस एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, तो इसका फ्लक्स निकालना है। अब पिछले क्वेश्चन सर ये भी आसान है, अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap - 3j cap + 4k cap दिया हुआ है, लेकिन एरिया वेक्टर की कहानी हमको पता ही नहीं है, व्हाट इज एरिया वेक्टर, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, बट एक चीज दिया है रेडियस दिया है r = 2 meter। अब है क्या ये डिस्क, डिस्क जस्ट लाइक ए रिंग, रिंग लाइक ए एरिया, अब एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, तो अगर एरिया लिखना चाहें एरिया इज इक्वल टू π r² तो यहाँ से हमको 4π आ जाएगा, बट ये एरिया में हमको डायरेक्शन पता ही नहीं, वेक्टर एक स्केलर होगा, अगर ये स्केलर लिखा है क्योंकि 4π r² डायरेक्शन है तो स्केलर ही होगा। हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, किसी भी स्केलर में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन आ जाता है। अब हमारे लिए चैलेंजिंग बात है कि हम लोग सबसे पहले ढूंढ के निकालने की इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर अगर एक चीज और देखें तो एक और लिखा हुआ एक्स वाई प्लेन, मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वाई प्लेन। जैसे देखिए अगर ये एक्स जेड प्लेन है, हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई होता है और ये जो अप द प्लेन जेड होता है, हमको इतना आइडेंटिकल लगता है कि जब कोई दूसरे प्लेन में अवेलेबल है, अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, अगर इस प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हमने बताया था एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब सरफेस इसका क्या है, एक्स वाई है, तो जो भी इसका एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस में परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो हमने क्या अज्यूम किया था, दिस इज जेड एक्सिस, तो अगर कोई सरफेस एक्स वाई में होगा तो उसका जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर इन जेड एक्सिस, ये क्या होगा, जेड में होगा। सिमिलरली अगर हम लोग वाई जेड में रखेंगे तो वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस आता है, एक्स आता है, तो यहां पर हमने क्या दिया हुआ है कि ये एक्चुअली प्लेस्ड है
एक्स जेड प्लेन में। अब एक्स जेड प्लेन क्या है, दिस इज द वर्चुअल प्लेन। अगर हम मान लें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, करेक्ट है। अगर यहां पर मैं किसी एरिया को रखूं, उसका परपेंडिकुलर पार्ट अप होगा लाइक दैट। मान लो हमने ऐसे रखा इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई एरिया रखा हुआ है प्लेस्ड इन एक्स एक्सिस, तो क्या इसका परपेंडिकुलर अप होगा? तो हमको दिख रहा है कि अप में कौन सा डायरेक्शन है, दैट इज दिस वाई एक्सिस। तो हमने जो एरिया निकाले हैं, एरिया टर्म में जो आया वो किधर होगा, इन वाई डायरेक्शन में होगा। अब पता है कि वाई डायरेक्शन का बेसिक यूनिट क्या होता है, जे कैप होता है। तो वाई डायरेक्शन का बेसिक यूनिट कितना हो जाएगा, 4πJ। सो दैट्स ऑल, हमको यहाँ पता हो गया। फिर हमको फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आपको पता ही है, वेक्टर वन वेक्टर बी दोनों का डॉट लिख दो, 2i माइनस 3j प्लस 4k इंटू 4πJ। हमको डॉट प्रोडक्ट की कहानी पती है, पता है कि सेम का यूनिट वन होता है, बाकी दूसरे में क्या होता है, जीरो। तो सिंपल लिखेंगे, जे इंटू जे, वाट इज जे, माइनस 3 × 4 माइनस 12π, दैट इज द फ्लक्स। इसका यूनिट कितना होगा, न्यूटन पर कूलम, दिस इज मीटर, तो क्या होगा ये, मीटर स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 12π मीटर स्क्वायर। तो हमको थोड़ा थोड़ा दो पॉइंट डिस्कस करना था, अगर एरिया नहीं पता हो तो एरिया कैसे फाइंड किया हमने, अगर प्लेन का डायरेक्शन नहीं पता हो तो हमने एनालॉजी अप्लाई किया और यहाँ से डायरेक्शन लिखा। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड तक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो क्वेश्चन हमारा थर्ड है, हमने वेक्टर फॉर्म को अप्लाई किया था जब ई डॉट डी एस पे क्वेश्चन किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड फाइ इन, इसका मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में इंटर करेगा वो फाइंड करना है, और फाइ आउट का मीनिंग होता है जो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा। जो कि मैंने फ्लक्स में पढ़ा था कि जितने सारे फील्ड नंबर ऑफ लाइन्स एंटरिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ऑल्सो फ्लक्स। हमको पता है फ्लक्स को डिफाइन करने का, हमने रिलेशंस पढ़ा था, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर हो, दूसरा अगर एरिया वेक्टर हो, तो क्या होता है, दो चीज होते हैं। अब ई डॉट ए, तो हमको यहाँ से मीनिंग नोन है, ई क्या दिया हुआ है, वेक्टर ई इज इक्वल टू 2i। हमको यहाँ से मिल गया है वेक्टर ई इज इक्वल टू 2i। बट नोन ये है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में एरिया कितना होगा। अब देखेंगे, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर दिस क्रॉस सेक्शन को इंटर कर रहे, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखेंगे इसको। अगर इस क्रॉस सेक्शन को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है तो क्या लेना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये लेंथ 2 दिया हुआ, दिस लेंथ इज 1। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो हमको पता है कि दोनों का लेंथ ए भी इक्वल है, तो एरिया कितना होगा इसका, एरिया हो जाएगा 2 × 1 2m², दिस इज 2m². अब देखो ये इंटरिंग है, हमने बताया था कि एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर सरफेस होता है। अगर एरिया वेक्टर उधर है तो क्या होगा, दिस इज द वेक्टर, अपोजिट होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 2m², बट डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड साइड, मतलब माइनस ऑफ जे कैप। अब मीनिंग है वो इधर है, वो अपोजिट में है, तो हमको क्या बोला है कि थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब देखो फाइ इन की बात है, तो फॉर्मूला हमने देखा था, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए, इसको लिख सकते हैं फाइ इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में और एरिया वेक्टर लेफ्ट में, तो एंगल कितना होगा 180, तो ई दिया हुआ है 2i। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वो भी करेक्ट ही है, बट हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेते हैं, 2 × 2 × cos π। cos π माइनस 1 होता है, दैट इज माइनस 4। इसका यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग दूसरा यूनिट वोल्ट मीटर ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। दिस इज फाई, ये कौन सा फाई होगा, जो किसमें इन किया होगा। सिमिलरली
जब इस साइड पे इन करेगा तो यहां से एग्जिट करेगा दिस पॉइंट से, और जब एग्जिट करेगा तो हम उस डायग्राम को देखें, वो सेम स्ट्रक्चर होंगे बट थोड़ा सा अलग होगा। देखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टू आई कैप, बट एरिया भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो टू इज टू वन, बट इस बार क्या है डायरेक्शन ऑफ एरिया इन ऑल्सो सेम डायरेक्शन, तो एरिया कितना होगा ऑल्सो टू मीटर स्क्वायर, बिकॉज टू इंटू वन टू होता है मीटर स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे थीटा कितना है जीरो डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और एरिया भी उधर है, तो हम लिखते हैं फाइव। अब क्या ये जो फाइव होगा वो क्या होगा आउट, क्योंकि ये इन था वो क्या होगा आउट, फाइव आउट ई ए कॉस थीटा। हम लोग वेक्टर फॉर्म में डील कर सकते थे आई डॉट आई, वो भी सेम रहेगा, बट हमने एंगल के इंक्लिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा इसको, तो ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टू इंटू टू कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन होता है, ये कितना हो गया फोर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दिस इज फाइव आउट। तो क्या हुआ जो इन करने वाला था वो था माइनस ऑफ फोर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, जो आउट था वो क्या था फोर। तो हमसे क्या पूछा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट को कवर अप किया, सेकेंड किया व्हाट इज नेट फ्लक्स, तो जो फाइनेट फाइनेट जो होगा क्या होगा फाइव इन प्लस फाइव आउट, तो क्या होता है ये जीरो फ्लक्स होगा, बिकॉज दोनों का आइडेंटिकल सेम है बट साइन के अलग। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा कि जब भी किसी भी क्रॉस सेक्शन से इंटर करके अगर सेम आइडेंटिकल एरिया वाले क्रॉस सेक्शन से एग्जिट हो जाएगा उस केस में फ्लक्स का नेट क्या होगा जीरो होगा। दिस इज द बेसिक फॉर्म जिसको हमने आसान मेथड से किया, सिंपल था, एरिया वेक्टर लिख सकते थे, थीटा देखा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, सिंपल आपने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद दिस इज द आंसर आया माइनस फोर, फिर से सिमिलरली अप्लाई किया फोर आउट के लिए, दिस इज फोर आउट एंड दिस इज नेट इज जीरो। इसको अच्छे से लिखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कुछ इस शेप का होता है, अब हेमिस्फीयर क्या है इसका रेडियस आर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ दिस इज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर दिया हुआ, और इधर जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ई दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं बेटर टू टेक ए एजम्पशन दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो वो जो राइट वर्ड होगा वो क्या होगा पॉजिटिव लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। तो सबसे पहले अपने को पता चलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई दिया है, मान लेते हैं ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हाउ वी फाइंड एरिया, अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो आपको पता है एरिया वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अवर जा रहा है तो एरिया वेक्टर इसके आउटसाइड द प्लेन होगा, जब ये आउटसाइड द प्लेन होगा ये इसके रिवर्स ऑफ द प्लेन है, इन दैट केस ये इस पर इंटर कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर से बता दूं इस डायग्राम को, अगर मान लो कुछ इस तरह के का होता ठीक है, तो इस साइड से इंटर करता और एरिया वेक्टर क्या होता एग्जैक्टली अपोजिट होता, बिकॉज ये अपने ये तो कवर्ड पार्ट है ना एग्जैक्टली अपोजिट होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एरिया वेक्टर इधर है, तो एरिया होगा कैसा दिस इज द सर्कुलर रिंग, दिस इज द सर्कुलर रिंग, एरिया कितना होता सर्कल का पाई इंटू आर स्क्वायर। अब हमको फाइ नेट निकालना है, अपने को पता है फाइ इन इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, अब थीटा देखो दोनों अपोजिट है तो थीटा कितना लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू वन सेकेंड पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पता है ई, एरिया कितना है पाई स्क्वायर कॉस पाई माइनस ऑफ ई पाई स्क्वायर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर दिस इज फाइन। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तुमको पता चलेगा क्या क्या डिफरेंसेस है, दिस इज माइनस ऑफ ई पाई स्क्वायर न्यूटन पर कूलम बिकॉज एरिया वेक्टर इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ए डॉट बी कॉस थीटा कॉस पाई इज माइनस वन इज देयर, इसको लिखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फाइ इन जो इंटर कर रहा है कम्स थ्रू द कोन, अब ये कोन का स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक जो हमने एंडेवर डायग्राम देखा था, लेकिन इस बार क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब देखेंगे ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाते हैं, मानते हैं ये फाइ वन होगा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये फाइ वन निकालना चाहे हम लोग तो मान लो ये एक हमने सर्कुलर पार्ट पहले लिया, सर्कुलर पार्ट
दिस इज दैट एरिया। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हिट करेगी इसको एट दिस ई वन, पता है कि सर्कल में क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट या परपेंडिकुलरली सरफेस क्या होता है, एक एरिया वेक्टर होता है। फिर से क्या पता चला, व्हाट इज दिस एरिया, दिस इज पाई आर स्क्वायर। देखेंगे इसको तो एरिया कितना हुआ इसका, एरिया इज इक्वल टू, बिकॉज सर्कुलर पार्ट है, पाई आर स्क्वायर, बट एंगल क्या दोनों का अपोजिट है, तो राइट डाउन लिखो ई ए कॉस थीटा ई वन, थीटा कितना हमारा पाई। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो फाई वन आता है माइनस ऑफ ई वन पाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो अभी होल कोन का हुआ नहीं है, हमने क्या किया, सिर्फ इस सर्कुलर कोन पे जो हिट कर रहा था रिंग वाले पार्ट पे, उसी कारण हमने निकाला एरिया पाई आर स्क्वायर इस रिंग का जस्ट पे, और इस पे हिट कर रहा है अपोजिट में, दैट इज द फील्ड इज रिवर्स, थीटा इज इक्वल टू पाई ई वन ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस ई वन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट वन। हम लोग सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड क्या है, इस पार्ट पे एक वर्टिकली ई टू आ रहा है, ये एक सर्कुलर पार्ट का हमने देखा था, अब क्या था ट्रेंगुलर पार्ट बच गया, तो ये एक कोन का पार्ट है, इस पार्ट का रेडियस आर दिया हुआ है, और ये क्या है, दिस इज द एच, ये पार्ट अपने को पता है यहाँ पर, ओके सॉरी ये आर है, तो ये भी क्या होगा आर होगा। अब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इंटर कर रही है, दैट इज ई टू। अगर ये सर्कुलर पार्ट इस तरीके का होगा, अगर इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हिट करेगा, क्योंकि कोण क्या होता है, थ्री डी स्ट्रक्चर है, थ्री डी में ये प्लेन होगा, अगर इसको हिट करेगा तो आपने क्या बताया था एरिया इज जस्ट अपोजिट, तो क्या होगा इसके रिवर्स में, आपको दिख रहा होगा सर एरिया रिवर्स है, बट एक्चुअली ये ट्रेंगल का एरिया, अगर आप ट्रेंगल लिखें क्या होता है, वन बाई टू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है वन बाई टू टू आर इंटू एच, आर एच इज द एरिया, डायरेक्शन किधर है अपोजिट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फिर से पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर अपोजिट, क्या है अपोजिट, तो थीटा कितना होगा अगेन पाई, फिर से क्या निकालना है, मान लो फाई टू ई डॉट ए, हम लोग मैग्नेट्यूड फॉर्म लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं ई टू ए कॉस थीटा, व्हाट इज ई टू, वो तो दिया ही हुआ है, ए कितना है आर इंटू एच कॉस पाई माइनस ई टू आर एच न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, दिस इज द ई टू। अब क्या है, दोनों फील्ड इनसाइड फ्लक्स इंटर कर रहा था, हमसे पूछा क्या था फाई इन, तो फाई इन इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, तो फाई वन कितना है माइनस ऑफ ई वन पाई आर स्क्वायर माइनस ई टू आर एच, यूनिट क्या होगा इसका न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, अगर इसमें क्या माइनस बाहर कर ले ई वन पाई आर स्क्वायर प्लस ई टू आर एच, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज फाइनाइट। ठीक है अपना, दिस इज अबाउट फाइनाइट, दिस वैल्यू क्या है इसका, हमने फाइनाइट निकाला। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने दोनों तीनों क्वेश्चन में एक कॉमन से पॉइंट थे कि एंगल डिसाइड करना किस तरह में करते हैं, तो हमने इस वाले पेट के एरिया को, दिस इज द सर्कुलर पार्ट, बिकॉज इसका पूरा बेस ये था, दिस इज द होल बेस, दिस इज हाइट, तो वन बाई टू बेस इंटू टू आर इंटू एच, ये तो हमारे पास नोन है, एरिया पता लग गया, तो डेट इज दिस ट्रेंगुलर पार्ट, क्योंकि कोण में इस तरह ऐड होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से हिट करेगा तो अपोजिट क्या होता है एरिया वेक्टर ऑलवेज पैरेलल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर से ऊपर रहेगा, जब ऊपर रहेगा दैट्स व्हाई दिस इज एरिया वेक्टर, एरिया होगा दोनों का एंगल कितना हो गया वन सेकेंड पाई या 180 बोल सकते हैं जिस भी हो। फिर हमने जो क्वेश्चन पहले किया था वो निकाला, फिर से हमको ये आंसर आया, एंड देयर आफ्टर जो इन बोला था, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन हो रहा है, उधर भी इन हो रहा है, सबको ऐड कर दो, दैट इज आवर आंसर, माइनस साइन बाहर कर लेंगे, इवन पाई आर स्क्वायर प्लस ए टू आर इंटू एच न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। सो टुडे टॉपिक इज मेनली डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देयर बेसिक एप्लीकेशन। हम लोग इसका जो एप्लीकेशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे,
हाउ वी अप्लाई दिस फ्लक्स कॉन्सेप्ट इन गॉस लॉ. सो थैंक्स फॉर टुडे.